बारात में आयल ऑर्केस्ट्रा में भोजपुरी गाना बजावे के मुद्दा पर भयल मारपीट में एक पक्ष के 3 लोग के गंभीर चोट आई। मारपीट करे वाला लोग बारात में उत्पात कैला पर दुल्हन के घर में ढुकले और उहां उनका परिवार संगे मारपीट करत चढ़ाव फैलाइल गहना लूट लिहले। बिहार सिवान जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरहन गांव में बुधवार के रात भयल एक घटना के बारे में मिलल जानकारी के मुताबिक गांव के दयानंद साह के बेटी के बारात में आयल ऑर्केस्ट्रा में भोजपुरी गाना बजावे खातिर गांव के कुछ युवक हंगामा करत रहले। रात 11 बजे के करीब हंगामा करत लोग के दयानंद साह के रिश्तेदार रोकले और इना मनला पर पिटाई कर दिले। एकरा पर गांव के कुछ लोग के उहां पहुंचले और उहां मौजूद दयानंद साह के रिश्तेदार और बराती संगे मारपीट करे लगले। दोनों पक्ष में भयल बरियार मारपीट के बाद ऑर्केस्ट्रा बंद हो गए और बारात लौट गए। इन्हें मारपीट करत लोग यहां से हट के रात 12 बजे के आसपास दयानंद साह के घर पहुंचले और तोड़फोड़ करत उहां मौजूद लोगों के पिटलो रहले। घटना के सूचना मिलते मौके पर पहुंचल मुफस्सिल थाना क्षेत्र के थाना अध्यक्ष विनय प्रताप सिंह मामला के शांत करवले। दयानंद साह पुलिस के बतावले कि आरोपी उनका बेटी के चढ़ाव में आयल करीब 3 लाख के गहना और 50,000 के कपड़ा लूट के भाग गए बाड़े। इन दुल्हन के चुमावन के समय भयले घटना से ब्याह के बाकी रस्म में देरी हो चुकल रहे और मारपीट से घबराइल बराती गाँव से चल गए रहले। बाद में मामला शांत होकला के बाद पुलिस अपन मौजूदगी में ए ब्याह के बाकी रस्म के पूरा करवलस। थाना अध्यक्ष बतावले कि ऑर्केस्ट्रा में भोजपुरी गाना बजावे खातिर मारपीट शुरू भइल रहे और जौन के उम्मीद से ज्यादा बढ़ गए। एक घटना में एक पक्ष के 3 लोग के भारी चोट आये और यो लोग के इलाज खातिर सिवान के सदर अस्पताल में भर्ती करावल गए बा। वो बतावले कि ये घटना में चोटिल होके वाला लोग में बरहन गाँव के उपेंद्र कुमार, अनिल कुमार और सोनू कुमार शामिल बाड़े। पुलिस दयानंद साह के बयान पर मारपीट और लूट के मामला दर्ज जांच शुरू कर देले बिया। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से ममता की रिपोर्ट।